ग्रीन कपड़े देखकर और मेरी तैयारी शारी देखकर तुम लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज कोई 14 अगस्त का सीन है। हाँ तो भाई आज है मेरी यूनिट के अंदर 14 अगस्त का फंक्शन, तो चलें शुरू करते हैं व्लॉग को, बड़ा मज़ा आएगा। सलामुअलैकुम। ये था हमारे कॉलेज का बाहर से व्यू। अच्छा मैं कुछ वीडियो के अंदर यूनिवर्सिटी भी बोलता हूँ तो तुम लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये अनकरीब यूनिवर्सिटी और फिलहाल कॉलेज है और अंदर हमारी उरूज पर तैयारियाँ चल रही थी 14 अगस्त के लिए। हमने अपने कॉलेज को अपने हाथ और अपने पाँवों की मदद से अच्छी तरह सजाया और हाँ आज मेरे दोस्त अच्छी अच्छी ड्रेसिंग कर आए थे और उन लोगों ने मुझे कहा था हमने व्लॉग में आना है, तो तुम्हें पता है मेरा दिल दरिया जितना बहुत बड़ा है, तो मैंने उनको अपने व्लॉग में ऐड कर लिया। 10 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह। काम करते करते हमारे हाथ और पांव थक चुके थे तो दरमियान में कुछ दोस्तों ने चुस्त मारना शुरू कर दी ताकि टाइम पास अच्छा हो जाए। ये है फजील, ये यूनिवर्सिटी का वो बच्चा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर लेने के लिए बहुत कम आता है और हाँ जब फंक्शन हो तो हर फंक्शन में नजर आता है, और आज इतना अच्छा तैयार होकर आया वो तुम लोगों को पता है क्यों? जोश के साथ आ रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। कोई आगे स्टार लगा रहा था तो कभी कोई पीछे स्टार लगा रहा है। बहुत मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल तैयारियां चल रही है। अपना बेस्ट दो अच्छे से, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे साथ है, आप हमारे साथ है ना, हम आपके साथ, फिर क्या टेंशन है आप हमारे। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर हम अपनी थकी हुई टांगों की मदद से बिना रुके चलते रहे। आखिरकार हम लोग पहुंच चुके थे ऑडिटोरियम में। तुम लोगों को पता है कि 5th फ्लोर पर मौजूद है और हमारे जो सारे फंक्शन है वो इधर ही होते हैं। फिर एसी के आगे खड़े होके अपने अपने दिमागों को ठंडा किया। खिड़की खोल के बाहर की 5वीं मंजिल से मैंने ताज़ा हवा ली और मुझे उसमें गर्मी महसूस हुई, तो उसके बाद हम लोग दोबारा एसी के नीचे जाके बैठ गए ताकि दोबारा से दिमाग को ठंडा कर सकें। आखिरकार हमारे फंक्शन का बकायदा आगाज हो चुका था। जवान है हम, आजादी का जोश भी है, पर मोबाइल के बगैर लगता है सब बेहोश भी है। हमारे कुछ लोगों ने आजादी हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। आज का नौजवान सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करने को सबसे बड़ा कारनामा समझता है। एक दोस्त ने तो आजादी के दिन पर स्टेटस अपडेट किया, जिंदगी में सब दिन आजाद देखवाए, उस दिन जिस दिन बिजली का बिल आता हो। आज का नौजवान अपने आपको का बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन जिम्मेदारियों की बात करें तो सबको खामोशी की आजादी चाहिए। लेकिन जब सुबह जल्दी उठने की बात आए तो हम कहते हैं यार अभी नींद बहुत कीमती है, आजादी को बाद में भी हासिल कर लेंगे। ये आजादी का दिन है, ये खुशियों का है पयाम, ये आजादी का दिन है, ये खुशियों का है पयाम, पर सपने का कहो तो सभी कहते हैं कुछ आराम। तो दोस्तों आज हम आजादी का जश्न मनाएं, जरूर मनाएं, मगर ये भी याद रखें कि इसके साथ साथ वीर का इंतजाम इस शेर से करना चाहूंगा। जैसे कि हमारी बहनें भी तालबे इल्म के अंदर शामिल होती हैं, तो उनके नजराने में एक शेर पेश करना चाहूंगा। आजकल की लड़कियां अपने हुस्न पर नाज करती हैं, फंक्शन के बाद होनी थी हमारी केक सेरेमनी, तो सारी क्लासेस अपने अपने केक लेकर आई थी और ये लास्ट वाला केक था फॉर्म डी का, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। केक काटने के लिए हम लोग अपनी सीटों से उठे और नीचे स्टेज पर पहुंच गए। हमने 15-20 रुपए के गुब्बारे उठाए और वहां से निकल दिए। खराब हो जाएगा। हम सब अपनी क्लास में आ गए थे, फिर हमारी प्यारी मैम्स ने हमारा केक कट किया। इतना काम करने के बाद भूख तो लगनी थी, तो हम लोग पहुंच गए भूख मिटाने के लिए और आज का बिल देना था अली हमजा ने। फिर मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से हम लोगों को दोबारा बुलाया गया शूट के लिए। एक दफ़ा फिर मैंने अपने छोटे से दिल को बड़ा किया और अपने दोस्तों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उनको अपने व्लॉग में दोबारा ऐड किया। गजब बेइज्जती है।
लास्ट में हम लोग पहुंचे अपनी लाइब्रेरी में चुस मारने के लिए और थोड़ा बहुत शूट करने के लिए। फिर मैं और फजील निकल दी क्योंकि फजील ने मुझे छोड़ने जाना था, और लास्ट में हमने आइसक्रीम खाई और इस व्लॉग को एंड किया।